दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। सवाल बड़ा है कि क्या कश्मीर, जो 5 अगस्त 2019 में बड़ा फैसला हो गया था, जो आरएसएस बीजेपी के हिसाब से, उनके एजेंडे के हिसाब से बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था मौजूदा सरकार के लिए, क्योंकि वो बार बार कहते थे और मैं समझता हूं कि उन्होंने कई बार इलेक्शन, जो उनके मैनिफेस्टो थे, लगभग सभी इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो कहते आ रहे थे कि आर्टिकल 370 को खत्म करेंगे, वो काम उन्होंने किया। दूसरा जो काम था, अयोध्या में टेंपल बनाना, तो उसका भी शिलान्यास हो गया इस 5 अगस्त को। अब सवाल यह है कि अगला जो कोई एजेंडा है, अगर आरएसएस बीजेपी का सबसे बड़ा, तो वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपने देखा होगा कि अयोध्या में भी जो स्पीचेस थी बड़े नेताओं की, उसमें 15 अगस्त और 5 अगस्त को एक तरह से पैरेलल, दोनों को समानांतर खड़ा करने की कोशिश की गई, और तमाम देश के शहरों में उसके बाद से ही बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं में 5 अगस्त को लेकर एक जोश देखा गया। कुछ एक जगह हमने सोशल मीडिया पर देखा कि 5 अगस्त के नाम पर रोड के नाम या मार्ग के नाम या गली के नाम भी रखने की एक बात चल पड़ी है। अब हमारा ये कहना है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर क्या बला है, क्या मामला है, जो आरएसएस बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा रहा है। हमारे संविधान में थोड़ा ये एक जटिल जो संवैधानिक जो पहलू है उसको समझने की जरूरत है। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत कुछ है, और अगर आप नीति निर्देशक सिद्धांतों को देखें तो जो हमारी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जिनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं, इसी के तहत आर्टिकल 44 में हमारे यहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बकायदा दर्ज है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई नए ढंग से लाना है, वो बकायदे दर्ज है। ये राज्यों पर छोड़ा गया है कि वो जहां जहां जिस तरह के हालात हैं उसके हिसाब से काम करेंगे। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब वन नेशन वन कल्चर, वन नेशन वन कलर, वन नेशन वन फूड, वन नेशन वन डांस, वन नेशन वन मैरिज मेथोडोलॉजी, यानी जिस तरह से शादी के रीति रिवाज हैं सब एक तरह से कर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में ये जो बार बार आता है वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन पावर ग्रिड, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के बारे में भी वो कह रहे हैं कि एक ग्रिड होनी चाहिए और उसके लिए प्रयास जारी है, वन नेशन वन टैक्सेशन, तो जीएसटी आ गया। तो हमारा ये कहना है कि इतने बड़े, इतने विशाल और विविध और विविधता भरे देश में एक ही तरह की सारी चीजें चलाने की जो मंशा है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की, मुझे ऐसा लगता है या बहुत सारे देश के लोगों को लगता है कि समान नागरिक संहिता को वो उसी से जोड़ते हैं। अब सवाल इस बात का है कि हमारा संविधान बहुत सारे प्रश्नों पर कुछ व्यापक टिप्पणियां करता है और एलिब्रेशन के लिए या व्याख्या के लिए वो छोड़ता है कि जो पीढ़ियां हैं आगे आने वाली, जो न्यायालय हैं, जो पार्लियामेंट है, जो समाज है, वो स्वयं उसको व्याख्यायित करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो हर चीज को अपने ढंग से व्याख्यायित करे। जहां पर हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों में, बुनियादी जो अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उनमें जो समानता के अधिकार हैं, उनको कोई तवज्जो नहीं है, उनको भारतीय जनता पार्टी तवज्जो देने को तैयार नहीं है। आरक्षण के जो पहलू हैं, जो एफर्मेटिव एक्शन है, वो तो इस सरकार ने उनको तहस नहस कर दिया है, लेकिन वो समान नागरिक संहिता के जरिए बहुत सारे ऐसे काम करना चाहती है जो समाज की विविधता को पूरी तरह क्षत विक्षत करते हों, जो स्पेशल मैरिज एक्ट हो सकता है, ट्राइबल एथनिक कम्युनिटी, माइनॉरिटीज कम्युनिटी के बहुत सारे राइट्स हो सकते हैं,
समय समय पर बनाए गए उनके लिए नियम हो सकते हैं, रूल्स हो सकते हैं, उनके शादी को लेकर, उनके 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 रीति रिवाज को लेकर, उनके खान पान को लेकर, उनके बहुत सारे और जो पारंपरिक रूप से चले आ रहे रिवाज हैं उनको बरकरार रखने के ट्राइबल इलाकों में जैसे हमने देखा है, तो ये जो पहलू हैं उनको ये चाहते हैं कि बिल्कुल खत्म कर करके एक ढंग का बना दिया जाए। और दोस्तों मुझे याद आ रहा है कि पिछले साल 15 अगस्त को जब माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भाषण किया, देश को संबोधित किया, उसके ठीक एक या दो दिन बाद मैं देख रहा था कि शेषाद्रीचारी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक बड़े वैचारिक उनके उनके भी बुद्धिजीवी माने जाते हैं और वो पत्रकार हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइजर का संपादन भी किया है लेकिन बहुत अच्छी टिप्पणियां भी करते हैं आरएसएस को लेकर, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार को लेकर उनकी टिप्पणियां कई बार बहुत बहस का विषय भी बनती हैं। तो उन्होंने 16 या 17 अगस्त को मुझे याद है एक बड़े न्यूज पोर्टल पर उन्होंने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कहा था पॉपुलेशन जो जनसंख्या विस्फोट का जो प्रधानमंत्री जी ने काफी महत्व के साथ जिक्र किया था अपने भाषण में, उसकी रोशनी में शेषाद्रीचारी ने यह कहा था कि बीजेपी का मौजूदा मोदी सरकार का अब तमाम इन इश्यूज के बाद जो हल हो चुके हैं जिनको वो एड्रेस कर चुकी है, अगला जो उसका मुकाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो दोस्तों इसलिए भी संकेत मिलता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जो आरएसएस में और आरएसएस के माउथपीस में इतने लंबे समय तक काम किया हो संकेत दे रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगला कदम है। इसी के मुतालिक मेरे अंदर का जो रिपोर्टर है वो भी जागा, मैंने भी आज बहुत सारे बीजेपी के टॉप और मझोले किस्म के नेताओं से भी मैंने कुछ एक से बात की, खासकर स्टेट्स के जो नेता हैं उनके बड़े नेता, और उनमें से कई नेताओं ने मुझसे बात की, उन्होंने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी इसलिए संजीदा गंभीर है क्योंकि आरएसएस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है। और दोस्तों ये जो मसला है कश्मीर का जो 5 अगस्त 2019 को जो एग्जीक्यूट किया गया वो एक बड़ा एजेंडा था आरएसएस बीजेपी का, जनसंघ का भी, तो ये दूसरा जो अयोध्या का मसला है वो इस 5 अगस्त को उसका शिलान्यास हो गया, भूमि पूजन हो गया, तो तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड बचा हुआ है। और इसलिए भी ये है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2024-25 के लिए को बहुत महत्वपूर्ण वर्ष मानता है और इसलिए बीजेपी भी मानती है, इसलिए मौजूदा सरकार भी मानती है। मौजूदा सरकार के लिए सिर्फ 2024 एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन का ईयर नहीं है बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जहां से सारी ये पार्टी सारी ये धारा निकली है उसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर उसने भी जो उसका जो स्वप्न है जिसकी वो परिकल्पना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में आरएसएस करता है और वो दरअसल हिंदू राष्ट्र है और ये जो हिंदू राष्ट्र है जिस परिकल्पना के आधार पर उसने अपनी राजनीति को विस्तार दिया, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि 100 वर्ष पूरे होने से पहले उसका ये सपना पूरा हो जाए। और जिस तरह से भारत में विपक्ष की बड़ी पार्टियां जो संवैधानिकता की दुहाई देती हैं आज लगभग समर्पित हैं, लगभग नतमस्तक हैं, उन्होंने लगभग कंप्रोमाइज कर लिया है, खासकर मैं बड़ी पार्टियों के बारे में कह रहा हूं, वो नरम हिंदुत्व के साथ पेश हो रही हैं, तो ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी के लिए रास्ता आसान है। जो मुखालफत है, जो आलोचना है, जो असहमति का स्वर है वो इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से है, बुद्धिजीवियों की तरफ से है, लेखकों की तरफ से है और कुछ सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से है जिन पर सबसे अधिक आज दमन ढाया जा रहा है, सबसे अगर जुल्म सितम के शिकार हैं तो यही ये वो वही लोग हैं। पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन की नहीं है, ये ध्यान देने की बात है। इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए जो बीजेपी की सरकार है, चाहे वो स्पेशल मैरिज एक्ट हो जैसा मैंने पहले कहा या और जो विविधता के बहुत सारे नियम कानून और आचार विचार हैं उन पर एक तरह से मुकम्मल उन पर बंदिश लगाने की कोशिश करेगी, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो चीज ऑलरेडी है उसको बार बार उसका जिक्र करना और अलग एक मोड़ देना ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है, बहुत ही रोचक बात है। तो ये मुझे लगता है कि जो तीन बड़े एजेंडे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के वो उसमें से एक एजेंडे के लिए अब देखना है कि वो कब तक इंतजार करते हैं
और लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जितनी पार्लियामेंट्री कमेटी रही हैं अब तक की इस मुद्दे पर, या इवन लॉ कमीशन जो 2018 में एक कंसल्टेशन पेपर दिया था जो मौजूदा सरकार का 2018 की बात है, उसमें लॉ कमीशन के कंसल्टेशन पेपर में भी यह कहा गया था कि मौजूदा दौर में किसी भी कीमत पर जो समान नागरिक संहिता है उसको अलग से नियमावली के तौर पे कोई नियम बनाकर अलग से एग्जीक्यूट करने की बात करना न तो इच्छित है न जरूरी है। लेकिन अब देखना है कि उसको जो बीजेपी है कितना इच्छित कितना जरूरी समझती है। तो मुझे लगता है कि ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है जो आज के दौर में अयोध्या के बाद कश्मीर के बाद बीजेपी आरएसएस का एक बड़ा एजेंडा है, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस पर भारतीय समाज में क्या बहस क्या विमर्श और किस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों नमस्कार आदाब सत श्री अकाल।